हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका वेलकम है। आज हम करेंगे हमारे 6.1 एक्टिविटी जो कि हमारे चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस से है। सो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे जैसे जितनी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखना ताकि आपको ये एक्टिविटी जो है अच्छे समझ में आ जाए। सो शुरू करते हैं, एक एक पॉइंट को जो है बड़े ध्यान से क्लियर करेंगे ताकि कोई भी आपके मन में कन्फ्यूजन ना रहे। सो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, हमें एक प्लांट लेना है और इस प्लांट को 3 दिनों के लिए जो है किसी डार्क रूम में रखना है। अब देखिए, 3 दिनों के लिए डार्क रूम में रखेंगे तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि पौधे को सनलाइट नहीं मिलेगी और सनलाइट नहीं मिलेगी तो पौधे जो है ये अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे और फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे तो जितना भी फूड या स्टार्च जो है ग्लूकोज जो स्टोर होगा वो सारा यूज हो जाएगा पौधे के द्वारा। अब देखिए, पौधे का जितना भी स्टार्च था ग्लूकोज था वो यूज हो गया। देन हमें क्या करना है, हमें हमारे इस प्लांट को 6 घंटों के लिए जो है सनलाइट में रखना है। तो सनलाइट में रखने से क्या होगा, जो ये पौधे की पत्तियां हैं वो दोबारा से सनलाइट में जो है नया फूड या नया स्टार्च जो है वो प्रिपेयर करेंगी। अब हमारे पास पौधों की पत्तियों में जो स्टार्च प्रिपेयर हो चुका है और ऐसा कोई भी स्टार्च नहीं है जो प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट एरिया में स्टोर किया गया हो, यानी फ्रेशली स्टार्च है जो सिर्फ उन्हीं एरियाज में है जहां पे जो है फूड प्रिपेयर होता है। तो हमें क्या करना है, हमें एक पत्ती को तोड़ लेना है और उसके ग्रीन एरियाज को जो है मार्क कर लेना है कि कौन कौन सा एरिया जो है वो ग्रीन कलर का है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमारे इस लीफ को जो है एक बीकर में डालना है और उस बीकर में अल्कोहल को भी ऐड करना है। जैसे कि हमारा ये बीकर है उसमें हमें हमारे इस लीफ को जो है ऐड डालना है और इसे अल्कोहल से फिल कर देना है और अल्कोहल से फिल करने के बाद किसी बर्नर की हेल्प से जो है इस बीकर को हमें गर्म करना है, हीट करना है ताकि जो हमारी ये अल्कोहल है ये बॉईल होना स्टार्ट हो जाए, उबलना शुरू हो जाए। और जैसे ही हमारी अल्कोहल जो है ये उबलना स्टार्ट हो जाएगी, हमें ये बताना है कि लीफ के कलर में और इस अल्कोहल के सॉल्यूशन के कलर में क्या चेंजेस आते हैं। सो देखिए क्या होगा, जैसे ही हमारी जो अल्कोहल ये बॉईल होगी तो ये क्या करेगी, अब देखिए हमें पता है कि जो हमारी लीफ है इनका ग्रीन कलर इसलिए होता है क्योंकि इनके अंदर जो है क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में एक ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। सो ये अल्कोहल क्या करेगा, ये सेल्स की सेल वॉल को ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा। अब मान लीजिए ये हमारी सेल है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है जिसमें क्लोरोफिल है। सो जैसे ही हम इसको बॉइल करेंगे तो ये सेल वॉल जो है ये ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी, जिससे कि क्या होगा, जो इसके अंदर ग्रीन कलर का क्लोरोफिल जो क्लोरोफिल भरा हुआ है ये क्लोरोफिल हमारा सॉल्यूशन में वॉश हो जाएगा, हमारी सेल वॉल जो है ये खाली हो जाएंगी, एम्प्टी हो जाएंगी। अब आप बताइए, देखिए इस लीफ में जिसकी सेल वॉल ब्रेक हो चुकी है और सारा ग्रीन पिगमेंट जो है वो सॉल्यूशन में वॉश हो चुका है तो क्या कलर बचेगा, हमारे इस लीफ का ग्रीन कलर जो है खत्म हो जाएगा और ये लीफ हमारी हो जाएगी कलरलेस। तो ये लीफ तो हमारी कलरलेस हो गई, बट ये जो ग्रीन कलर सॉल्यूशन में वॉश हुआ है इस वजह से क्या होगा, जो हमारा ये अल्कोहल का सॉल्यूशन है ये हो जाएगा हमारा ग्रीन कलर का। सो अल्कोहल का सॉल्यूशन हमारा ग्रीन कलर का हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमारी कलरलेस लीफ है इसको हमें आयोडीन के सॉल्यूशन में जो है डिप करना है कुछ मिनट्स के लिए। देन जो है हमें ये बताना है कि लीफ के कलर में क्या चेंजेस आए और इसे उस प्लांट की लीफ से जो है कंपेयर करके अपनी ऑब्जर्वेशन को नोट करना है। सो देखिए क्या होगा, जब हम हमारी लीफ को इस पौधे की पत्ती को आयोडीन के सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो वो एरिया जो पहले ग्रीन कलर का था, वो एरिया जिसे हमने लीफ के एरिया को मार्क किया था कि ये एरिया ग्रीन कलर का है, वो डार्क ब्लू कलर का
हो जाएगा, जिससे कि हम कह सकते हैं कि उस ग्रीन कलर के एरिया में स्टार्च की प्रेजेंस है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, केवल स्टार्च को अगर हम आयोडीन को जो है स्टार्च के सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो हमारे स्टार्च का कलर जो है वो डार्क ब्लू कलर का हो जाता है। और यहां पे वही हुआ है, हमने जैसे ही जो हमारी पत्ती है उस पे आयोडीन सॉल्यूशन में डिप किया तो केवल वही एरिया जो पहले ग्रीन कलर का था वो डार्क ब्लू कलर का हो गया, जिससे हम कह सकते हैं कि इस ग्रीन एरिया में जो है स्टार्च प्रेजेंट था। सो इस प्रोसेस से हम क्या बता सकते हैं कि पौधे की पत्तियों में जो स्टार्च है वो केवल कुछ ही एरिया में प्रेजेंट क्यों था, पूरी पत्ती का कलर डार्क ब्लू नहीं क्यों नहीं हुआ, सिर्फ उसी एरिया का कलर डार्क ब्लू क्यों हुआ जो कि ग्रीन कलर का था। तो देखिए इस एक्टिविटी में क्या हुआ है कि केवल जो ग्रीन पार्ट है लीफ का वही आयोडीन ट्रीटमेंट के टाइम पे ब्लू कलर का हुआ, जिससे कि हमें पता लगा कि केवल ग्रीन पार्ट में ही जो है वो स्टार्च प्रेजेंट है। और हमें पता है कि पौधे की पत्ती का ग्रीन कलर होता है क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से। सो यानी कि हम कह सकते हैं कि केवल जो क्लोरोफिल का पार्ट है, यानी कि लीफ की पत्तियों का ऐसा पार्ट जिसमें क्लोरोफिल है, केवल वही पार्ट जो है वो स्टार्च को बनाता है, दूसरा कोई भी पार्ट जो है वो स्टार्च को यानी कि पौधे की पत्तियों के भोजन को नहीं बनाता, केवल क्लोरोफिल वाला पार्ट ही फूड प्रिपेयर करता है। सो इस एक्टिविटी का क्या कंक्लूजन निकला, इस एक्टिविटी का ये कंक्लूजन निकला कि पौधों की पत्तियों में जो ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं, ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो है स्टार्च को प्रोड्यूस करता है जो कि पौधे के द्वारा भोजन के रूप में कंज्यूम किया जाता है। यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्लोरोफिल नेसेसरी है, क्लोरोफिल बहुत जरूरी है। सो उम्मीद है आपको 6.1 अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आपको ये पता लग गया होगा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्लोरोफिल क्यों जरूरी है। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।